हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे प्ले जेएस मोर चैनल पर। तो आज 14 अप्रैल 2023 का दिन और आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जयंती है और हम सर्वोदय कोचिंग इंस्टीट्यूट बच्ची कोर्ट में यहाँ पे बड़े ही धूमधाम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें जयंती को मनाया जा रहा है। तो इस वीडियो में आपको पूरा बने रहें, शुरू से अंत तक वीडियो देखना है किस तरह से इसका जन्म का हुआ था। सभी सर यहाँ पे आएंगे, आपके बड़े ही हर्ष की बात है कि आज हम सब यह 14 अप्रैल भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उपस्थित हुए हैं और इनकी उपस्थिति को हम दुनिया के सामने उजागर करने के लिए इस पर फूल से अर्पण करेंगे और मल्यार्पण के लिए आएंगे। तो सबसे पहले आएंगे गौरव सर और मल्यार्पण करेंगे भीमराव अंबेडकर के। सर जी आएंगे और वह भी मल्यार्पण करेंगे हमारे। मल्यार्पण और पुष्प तर्पण का कार्य यहीं पर संपन्न किया जाता है। अब जैसा कि आप सबको पता है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था और उस समय भीमराव अंबेडकर जो है ना अपने परिवार में अपने बेटे के 14वें संतान थे और उनकी स्थिति उस समय दयनीय थी। पढ़ने के लिए उनके पास पैसे की उपलब्धता नहीं थी क्योंकि उसकी माँ 5 वर्ष के बाद गुजर चुकी थी और उनके पिता श्री जो थे वह रिटायर कर गए थे अपने कार्यकाल से। तो उसके पास जब पढ़ने के लिए पैसा नहीं था, जब वह प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने के लिए गए पास के विद्यालय में, तो उन्हें नीचा कह करके क्लास से बाहर कर दिया जाता था और जहाँ पढ़ने भी दिया जाता था उसे जो है ना बेंच से नीचे बैठाया जाता था, यानी सबसे अलग उसे बैठाया जाता था। पानी पीने की व्यवस्था जो होती थी उसके लिए अलग रखा जाता था। अगर कोई पानी पीने के लिए जा रहा है कल पे, तो ऊंचे जात के जो होते थे ऊंचे सब लोग बड़े सब लोग यह कह करके कि तुम छोटे जात के हो इसीलिए उन्हें उस जगह पर नहीं जाने दिया जाता था, इस तरह भेदभाव किया जाता था। लेकिन भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि पानी से नहीं स्नान करते थे, वह पसीने से स्नान करते थे। कहा भी जाता है कि पानी से स्नान करोगे तो सिर्फ कपड़े बदलोगे, पसीने से स्नान करोगे तो इतिहास बदलोगे। तो उन्होंने पसीने से स्नान किया और इतिहास को बदलने में लगे और वे ज्यों ज्यों बड़े होते गए ज्यों ज्यों वह देश के बारे में सोचता गया और वे भारत को छोड़ करके अमेरिका गए थे पढ़ने यूनिवर्सिटी। वहां से जब पढ़ के आए तो मुंबई में वह प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत हुए। जिस कॉलेज से गए थे उसी कॉलेज में प्रिंसिपल आया। जब प्रिंसिपल के रूप में उन्होंने कार्य करने लगा तो जो चपरासी होते हैं
वह भी ऊंचे कास्ट के थे, इसीलिए सर को प्रिंसिपल को भी जब पानी दिया जाता था तो कप को या गिलास को धर के दिया जाता था, डेस्क पे धर देते थे, उसको हाथ में संपर्क नहीं करते थे चपरासी तक भी। तो उन्हें लगा कि मेरे साथ ये भेदभाव हो रहा है, इसीलिए उन्होंने उस पद से इस्तीफा दिया और वह बंगाल से चुनाव लड़े। और जीव निर्माण की जब बात आई तो 299 व्यक्तियों का चयन हुआ, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भीमराव अंबेडकर के पास 32 डिग्रियां थी और अनेक भाषाओं का ज्ञान भी था, इसीलिए इन संविधान निर्माण का जो प्रधान बनाया गया उसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कई देशों का भ्रमण किया, कई देशों के संविधान का भ्रमण किया, तब जाकर के भारतीय संविधान का निर्माण किया। अमेरिका के संविधान हो, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लाई, तो सभी देशों से निचोड़ करके संविधान बनाया और विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान का निर्माण किया। निर्माण करने के बाद 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे, इस जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू कर दिया गया और 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को भीमराव अंबेडकर हमारे बीच से गुजर गए। कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है से सम्मानित किया गया और आज हम जो भी है बोलने का अधिकार जो है, समानता का अधिकार और आरक्षण का जो जान रहे हैं, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें दिया है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिए हुए आरक्षण के बल पर जो है ना हम सब लड़ भी रहे हैं और समानता का अधिकार ये योरक सर भी आए और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवनी के बारे में 2 शब्द आप सबके सामने रखे। पहले भी ये बहुत देश घूम चुके थे, आजादी के बाद भी जो अध्ययन किया
संविधान को और सारे देशों के संविधान को जो लिखित संविधान था उनके अच्छी अच्छी बातों को हमारे संविधान में रखा। सारे जितनी भी समस्याएं हो सकती है सबको इन्होंने रखा, उसका समाधान का तरीका भी बताया और बाद में संशोधन का भी उपबंध रखा कि हमारा संविधान में जितने नियम कानून बनाया गया वो संशोधन भी हो सकता है और समय समय पर संशोधन हो रहा है संसद के द्वारा। और उसके बाद इसी के निर्माण संविधान जो बना उससे आज हमारा देश चल रहा है, पूरा भारत याद कर रहा है। तो सार यही है कि संघर्षों से जीवन को जो है इन्होंने बदला, अपने जीवन में इन्होंने संघर्ष किया और अपनी परिस्थिति, अपने समाज की परिस्थिति और अपने देश की परिस्थिति को इन्होंने बदला। आप लोग पढ़ते हैं, विद्यालय में पढ़ते हैं, यहाँ भी आप लोगों को मदद किया जाता है, आपको जहाँ नहीं समझ में दिक्कत हो रही है आपको मदद किया जाता है, ठीक है, आपके ज्ञान को बढ़ाया जाता है। तो सब सरकार जो है आप लोग ज्ञान से पढ़िए, समझिए और अपने आप को ज्ञान में उन्नत कीजिए, अपने आप को ज्ञान में उन्नत कीजिए और जिस तरह इसका नाम है उसी तरह आप लोगों का भी नाम हो गाँव में देश में। बस इतना ही कहकर अपने विराम देता हूँ। गणेश सर आएंगे और आप सबके बीच दो शब्द रखा है, वह हमारे शिक्षक गण है सभी का अभिनंदन का अभिवादन करते हैं और आए हुए हमारे जो भी बच्चे गण हैं उनका भी धन्यवाद। जैसा कि शुरू में ही पता है भीमराव अम्बेडकर के बारे में, इनका जन्म 14 अप्रैल 1800 को हुआ था और संविधान इनका 1956 में था। क्यों अगर इसके बारे में देखा जाए भीमराव अम्बेडकर के बारे में तो बहुत तरह का पढ़ाई करने जब स्कूल जाते थे तो दर दर की ठोकरें इसको खाने पड़ते थे, तो इस तरह कुछ दिन इसका दिन कटा। उसके बाद इसके पिता जिसको कुछ ना कुछ करना है और समाज में जो ही असमानता इसको बदलना है, तो इसके लिए भीमराव अम्बेडकर ने लाइब्रेरी में बैठ के बहुत देर पढ़ा करते थे और बच्चा चले जाते थे खेलने के लिए इधर उधर, लेकिन इन्होंने वो चीज नहीं अपनाया और अपने आप को बदला और समाज के लिए बदलने का इन्होंने ड्रीम निश्चय कर लिया और ज़्यादा से ज़्यादा देर तक पढ़ते थे, इसलिए विदेश भी गए बदलाए पढ़ के आए। उसके बाद यहाँ पे संविधान का करने का आया भाई, तो इन्होंने संविधान बनाया जो कि हर एक देश इसीलिए बोला जाता है भारत का सबसे बड़ा संविधान है ना, है तो एक ही रास्ता है। जैसे भीमराव अम्बेडकर जी निम्न जाति के बीमार जाते थे, पढ़ाई को बदौलत इसने कायाकल्प कर दिया, अपने जिंदगी का सर्वे किए और समाज के बारे में भी किए, तो सबसे सुगम रास्ता यही है कि पढ़ाई करके हम सब कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सक्सेस सबको मिलता है, एक मिलता है तो पढ़ने भी जाता है, लेकिन अगर तुम रास्ते पे रहोगे लाइन में लगे हुए हो तो तुमको टिकट मिल पाओगे, आज मिले या कल मिले टिकट पाओगे। और आदरणीय सभापति महोदय एवं यहाँ पे उपस्थित हमारे सीनियर गोरख सर एवं मेरे प्यारे बच्चों एवं बच्चियों, जैसा कि आप सबको पता है कि जन्मतिथि समारोह हम सब मना रहे हैं सर्वोदय कोचिंग इंस्टीट्यूट कंसेप्ट के द्वारा। विगत कई वर्षों से इस कोचिंग के द्वारा इस समारोह को मनाया जाता है, मनाते आ रहे हैं, इसे बहुत सारा शिक्षकगण आए चेंज हुए स्टूडेंट भी आए गए इस समारोह को चार रखते हुए। अभी हम सोचते हैं प्रत्येक बच्चे के लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाए हैं, सबको दे दिया जाए उसके बाद समारोह खत्म किया जाए। और भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में सुशील जी बोले कि सबको विस्तार से बता दिए हैं और इसमें एक करी हम जोड़ना चाहते हैं, ये भारत के प्रथम कानून मंत्री बने, शुरुआत जो आजाद हुआ अपना देश उसमें कानून मंत्री यही थे भीमराव अम्बेडकर जी।